नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्षण आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। आपको बता दूं कि कल उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। और जब राहुल गांधी ने इसका विरोध किया तो वहां पर प्रशासन और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की का माहौल दिखाई दिया है, जिसमें राहुल गांधी गिरते हुए भी दिखाई दिए हैं। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें प्रशासन के द्वारा गिराया गया, लेकिन जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है उसमें यह साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी को प्रशासन के द्वारा नहीं गिराया गया। वह धक्का मुक्की से भी गिर सकते हैं या फिर वह खुद अपनी इच्छा से गिरते हुए नजर आए हैं। यह पूरा मामला वीडियो के अंदर कैद है और ये वीडियो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इस वीडियो की ओर और पता लगाते हैं कि राहुल गांधी आखिर खुद गिरे थे, उन्हें प्रशासन के द्वारा गिराया गया था, या फिर वह धक्का मुक्की के माहौल में गिरते हुए दिखाई दिए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं वीडियो की ओर। डिस्टर्ब मत कीजिए, प्लीज शांत रहिए, थैंक यू। देखिए, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको बताएं सर, बताइए, समझा देंगे, आपसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम अभी 188 में आपको क्या है, ये 188 वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया सर? 144 में नहीं हूँ मैं, पेंडेमिक 144 में अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर, ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के सर, नहीं नहीं आपके लोग है सर, सर मैं आप लोग रिप्लाई करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैं देना, मैं दो। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड को लेकर के सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में जहां प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी ने जमकर के प्रदर्शन किया है, वहीं गौतम बुद्ध नगर में हाथरस जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उधर इस मामले में योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी जब विदेश से लौटते हैं तो फोटो आप करवाते हैं। आपको बता दूं, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हाथरस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिख रही। वहीं राहुल गांधी के गिरने की बात पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गिरे हैं या गिराया गया या जानबूझकर गिरे, ये वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे पे भारी भीड़ लेकर के चलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है, इस मामले की जाँच भी कराई जा रही है, कांग्रेस को सब्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है, हाथरस जाने से पहले उन्हें अनुमति भी लेनी चाहिए थी। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।